वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 26, जिसके अंदर हम देखेंगे 22nd of September की जो वर्कशीट है क्लास 9th की। पहले हम देखेंगे मैथ्स, फिर देखेंगे साइंस और फिर देखेंगे हम इसके अंदर हिंदी। तो मैथ्स का जो टॉपिक है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज ट्राइंगल्स की। दो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है? जैसे कि इसके अंदर नाम बोला है इक्विलेटरल, इक्वल, जो ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों के तीनों साइड इक्वल हो। तो ये जो तरीका है इसको मार्क करने का, इसे कहते हैं इक्वल साइड। मतलब एसी जो है वो इक्वल है एबी के और एबी जो है वो इक्वल है एसी के। ये सेम चीज इन्होंने यहाँ पर लिखी भी हुई है। तो इसके एक एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी होती है, तो अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल इक्वल होने का मतलब हो गया कि तीनों के तीनों, सपोज करो 1, 2, 3 हैं, तो तीनों के तीनों का एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस वजह से उन सब का जो एंगल हो गया वो हो गया 60 डिग्री, 60 60 60 180 डिग्री। तो हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितना होता है, वो 60 डिग्री का होता है। आइए चलते हैं, इसके ऊपर एक ब्रेन टीजर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तो उसको देख लेते हैं। कैन यू टेल वॉट विल बी द मेजर, मेजर मतलब उसकी वैल्यू, ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हमने बता दिया, इसका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड जो बोला है इन्होंने आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर कोई दो साइड इक्वल होती हैं। कौन सी, कोई भी दो, ये अलग होगी, ये अलग होगी। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ऐसे टाइप का ट्राइंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सपोज करो एक ऐसा ट्राइंगल है आइसोसेलेस, उसके अंदर ये दोनों साइड इक्वल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये दोनों हो। तो कोई भी दो साइड इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर। तो इसके अंदर और एक खास बात होती है, अगर सपोज करो ये दो साइड इक्वल है तो इसके जो सामने वाला जो एंगल है वो दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो सपोज करो इसकी वैल्यू हो गई 50 डिग्री, तो इस एंगल की वैल्यू भी हो जाएगी 50 डिग्री। तो सामने वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखें, सामने मैंने इसको बनाया, इसके जो सामने बन रहा है वो ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये इसकी खास बात हो जाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। पहली खास बात, उसकी दोनों साइड इक्वल हो जाती है, और दूसरी खास बात, उसके सामने वाला एंगल जो हो जाता है वो इक्वल हो जाता है। आइए चलते हैं इसी के बेसिस पे जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसको बाद में खुद सॉल्व करें। आइए चलते हैं, हम पहले हम देख लेते हैं इसके बेसिस पे दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हमें इस फिगर के अंदर वाई की वैल्यू ढूंढनी है। अगर क्या बोला है, ई एफ, ये री ई एफ और ई जी, ये री, दोनों इक्वल हैं। तो हमें अभी हमें बताया कि फिर कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे किस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है, वो दिखा देते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ई एफ जी, ई एफ जी। तो हमें पता है कौन सी दो साइड इक्वल है, वो लिख देंगे ई एफ इज इक्वल्स टू ई जी, ठीक है। तो हम इसके नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे लिख देंगे, देखेंगे ई एफ, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी हमने बोला है ई एफ, तो ई एफ के सामने वाला एंगल कौन सा है, वाई, आप जी भी बोल सकते हैं, एंगल जी, चलो पहले एंगल जी लिख देते हैं, एंगल जी। ई जी, अब ये देख रहे हैं ई जी, ई जी के अंदर ऑपोजिट कौन सा हुआ, एफ, तो हम यहाँ पे एफ डाल देंगे, इक्वल टू एंगल एफ। कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में एंगल जी कितना था, वाई था, और एंगल एफ कितना था, 55 डिग्री। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 55 डिग्री वाई की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, एसी की वैल्यू हमें वैल्यू ढूंढनी है, ये वाली वैल्यू। इफ एंगल ए एंगल बी 40 डिग्री, देखो ये दोनों एंगल इक्वल मिल गए तो इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस।
तो मैं यहाँ पर आपको ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ। सपोज करो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, जैसे इन्होंने बताया ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एंगल के ऑपोजिट कौन है? ये वाली साइड। इस एंगल के ऑपोजिट ये वाली साइड। तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए लिख देंगे इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी। ए बी सी, कौन से दो एंगल इक्वल है? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ब्रैकेट में लिख देते हैं 40 डिग्री, दोनों की दोनों 40 डिग्री। एंगल ए, तो ए को हटा दो, बी सी बचा सामने, सो बी सी इक्वल्स टू बी है, बी को हटा दो, ए सी बचा, ए सी। कौन सी प्रॉपर्टी? आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बी सी, अब बी सी की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए सी, यहाँ पे ए सी आ गया। सो ये आपका आंसर हो गया, 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए सी, और क्वेश्चन ने ए सी ही मांगा था। तो यहाँ पर आपकी ये मैथमेटिक्स की वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी हम चलते हैं आगे अपने साइंस की वर्कशीट की तरफ। साइंस की जो 26 वर्कशीट है हमारी, उसके अंदर हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर एक सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या होता है, उसका काम क्या है, वो हम पढ़ेंगे। व्हाई इज द कलर ऑफ लीव्स ग्रीन? तो इस वर्कशीट के एंड में आपको ये एक चीज समझ में आएगी कि कलर का लीव्स का कलर ग्रीन या कोई और कलर क्यों होता है। एंड द कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर डिफरेंट इन प्लांट्स। तो इसके बारे में आपको आज थोड़ा सा डिटेल में पता चलेगा। वी नो दैट प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो प्लास्टिड एक तरीके का एक सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन मतलब हो गया डबल लेयर, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में ही मिलता है ओनली। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करें, अगर हो सकता है तो इन वर्कशीट की फोटोकॉपी निकालिए अपने पास, संभाल के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट में क्रिस्प नोट्स हैं ये। प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं प्लास्टिड। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको, मेरे को ल्यूको से एक सेंस बनता है ल्यूक वार्म वाटर, तो बहुत ही सादा सा, तो कलरलेस, तो ये मेरी सेंस है, जिस सेंस की वजह से मेरे को ये याद रहता है लॉन्ग टाइम तक। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है या फिर कलरलेस होता है। दिस प्लास्टिड इज कलरलेस, इट स्टोर्स, यहाँ पर इसका ये फंक्शन है, इट स्टोर्स फूड मटीरियल सच एज प्रोटीन स्टार्च ऑयल इन प्लांट सेल। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये सारी चीजें स्टोर करना। दिस प्लास्टिड इज फाउंड इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट होते हैं ग्रीन कलर के लीव्स, बट कुछ क्या होते हैं, अलग कलर के होते हैं। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स मतलब अलग कलर हो गए, जिसका कोई और कलर हो गया, तो उनके अंदर क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। अब हम जाने वाले हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो, क्रोमो से मुझे तो क्रोम याद आता है जो सर्च इंजन है, और उसके अंदर मेरे को जो लोगो है ना वो बहुत ही कलरफुल है। तो इसके अंदर भी आपने देखा होगा पहली लाइन में लिखा है देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर पिगमेंट लाइक येलो ऑरेंज रेड, और आपको विश्वास नहीं होगा जो क्रोम है वो इसी वजह से ही उसको लिया गया है, और उसको क्रोम इसीलिए बोला जाता है। क्रोमोप्लास्ट होता है वो प्लास्ट वो कलर देता है, कौन सा? येलो रेड ऑरेंज अलग अलग कलर। प्रेजेंट इन दिस प्लास्टिड विच प्रोवाइड डिफरेंट कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो इनकी मदद से फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का कलर अलग अलग मिलता है। क्रोमोप्लास्ट दैट हैज ग्रीन पिगमेंट, जिसके पास ग्रीन पिगमेंट, ये तो आपके पास पता ही होगा, इसे कहते हैं क्लोरोफिल, इट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड प्लांट। क्लोरोप्लास्ट से उसको ग्रीन कलर मिलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस इन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड दैट इज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस क्या है? वो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। तो इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं, द स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो ये इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है, जो क्लोरोप्लास्ट है ये जो सामने इमेज दे रखी है, इसके जो अंदर का जो स्पेस होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा आप समझ सकते हैं स्टोरेज से, ठीक है,
विच इज फिल्ड विद लिक्विड कॉल्ड मैट्रिक्स, इसके अंदर पानी जैसा लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. देयर आर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्ड स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन स्ट्रोमा कॉल्ड थाइलोकाइड. तो थाइलोकाइड ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे पैसे रखे होते हैं ना, उसी तरीके से थाइलोकाइड इसको बोलते हैं. ये लेयर्ड होता है, लेयर्ड आपके सामने लेयर्ड केक होता है ना, बहुत सारी लेयर्स होती हैं उसके ऊपर, तो उसी तरीके से ये लेयर्ड होता है, बहुत सारे लेयर्स हैं जिसको हम बोलते हैं थाइलोकाइड. आगे है लाइक मिटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. इनके पास भी, प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए, सेपरेट डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम होता है. याद है राइबोसोम क्या करता था, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि राइबोसोम का क्या काम था. मैं चाहूंगा देखना कि बच्चों को कितना समझ में आया है राइबोसोम के बारे में. तो आगे चलते हैं, फोटोसिंथेसिस का इन्होंने प्रोसेस बता रखा है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पढ़ लें एक बार, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है. फिर दोबारा इन्होंने, आई डोंट नो क्यों बताया, बहुत बार हमने पढ़ लिया है, और आखिर में इन्होंने दे रखा है उसका केमिकल इक्वेशन. ये आपको अब एज अ 10th ग्रेड स्टूडेंट, 9th ग्रेड स्टूडेंट आपको याद हो जाना चाहिए, बिकॉज इसके बगैर आपको मार्क्स सब नहीं मिलेंगे एग्जाम में. तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. विच सेल ऑर्गेनल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, पहला आंसर हो गया क्लोरोप्लास्ट. तो पहला आंसर हो गया क्लोरोप्लास्ट. आंसर नंबर टू की तरफ चलते हैं. नेम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड एंड ऑल्सो देयर फंक्शन. सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, ये लिखेंगे पहले, और पहले लिखेंगे उसके बारे में उसके फंक्शन लिखेंगे. क्लोरोप्लास्ट, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट, इट स्टोर्स फूड मटेरियल, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये ल्यूकोप्लास्ट का होगा. फिर हम लिखेंगे क्रोमोप्लास्ट, एंड ये क्या करता है, इट गिव्स कलर. ये देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर पिगमेंट, येलो, एंड प्रोवाइड कलर थ्रू तक, तो फ्लावर, ठीक है. तो ये आपका जो भी मैंने अभी मार्क करा है वो सारा का सारा आंसर हो गया, आंसर नंबर टू. आगे चलते हैं आंसर नंबर थ्री की तरफ. एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन ब्रीफ. ये रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा आंसर आपको लिखना है, ठीक है. आंसर नंबर फोर पे चलते हैं. विच प्लास्टिड हैज क्लोरोफिल इन इट, किसके पास क्लोरोफिल है. नेम टू सेल ऑर्गेनल्स दैट हैव देयर ओन डीएनए. दो क्वेश्चन है इसके अंदर. पहले चलते हैं विच प्लास्टिड हैज क्लोरोफिल इन इट. क्लोरोफिल देखें किसमें होता है, क्लोरोफिल होता है क्रोमोप्लास्ट. तो आंसर क्या हो गया इसका, क्रोमोप्लास्ट. तो उसके बाद उन्होंने बोला किसके पास. नेम टू सेल ऑर्गेनल्स दैट हैव देयर ओन डीएनए. तो ओन डीएनए हमने अभी लास्ट लाइन में पढ़ा था, मीटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए. तो हमें ये लाइन लिखनी है यहाँ पर. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है खत्म, आंसर नंबर फोर. आंसर नंबर फाइव पे चलते हैं. विच गैस इज रिलीज आउट एंड टेक अप बाय प्लांट. तो दोनों बताने हैं, रिलीज आउट कौन सा होता है, वैसे आपको पता हो जाना चाहिए. रिलीज आउट कार्बन ऑक्सीजन एंड रिलीज टेकन अप कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फाइव. तो उम्मीद करते हैं आंसर नंबर फाइव आपको समझ में आया होगा. साइंस की वर्कशीट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपने व्यूज जरूर बताएं कि आपको वर्कशीट कैसी लग रही है, सजेशन दें हमें, और आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें. चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें. अब हम चलते हैं अपनी हिंदी की वर्कशीट की तरफ. हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं. तो हम रसखान के सवैये कर रहे थे हिंदी में, ये उसी की कंटिन्यूएशन में वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 26, कार्यपत्रक नंबर 26. ये 2 सितंबर की आपकी वर्कशीट है. तो जल्दी से देख लेते हैं ये रसखान जी का जो आखिरी सवैया है उसमें क्या बताया गया है. तो कवि रसखान जी ने अंतिम सवैये में कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है, तथा कवि गोपियों की विवशता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती हैं. तो इसी को मैं आगे लाइन बाय लाइन आपको समझा देती हूँ. काननी दैक अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है,
श्री कृष्ण की मुरली तथा उनकी मुस्कान पर कोई गोपी अपनी सखी से ये कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि मुरली की मधुर तान मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन, गोधन क्या है, वो है ब्रज में गाया जाने वाला लोकगीत, अगर उसे गाने लगे तो गाते रहें परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो पाएगा। तो वो कह रही है कि मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि श्री कृष्ण जैसे ही ऊंची अटारी पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान छेड़े, मुरली का मधुर संगीत बजाएं, तो मेरे कानों में वो पड़े ही नहीं। जब वो गोधन, जो ब्रज में गाया जाने वाला लोकगीत है, वो गाने लगे तो मुझे वो सुनाई ही ना दे, और जब ऐसे होगा तो मुझ पर उनका कोई असर होगा ही नहीं। तेरी कहो सिगरी सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समझो है। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना ही समझा ले, चाहे कोई कुछ भी करे या कहे, मैंने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उसके वश में हो जाऊंगी। तो वो बोल रही है कि कल कोई मुझे कितना भी समझा ले, मैं श्री कृष्ण की जो मुस्कान है वो नहीं देखूंगी, क्योंकि वो इतनी आकर्षक है कि जैसे ही अगर मैंने वो देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। तो चाहे मुझे कोई कितना ही समझाए, मैं वो मुस्कान नहीं देखूंगी। मायरी व मुख की मुस्कानी संहारी न जय है जय है जय है। तो इन पंक्तियों में गोपी कहती हैं कि हाय री माँ, उसके मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है, मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। तो गोपी यहाँ कह रही हैं, वो एक तरह से अपनी माँ की दुहाई देते हुए कह रही हैं, जैसे आप भी बहुत ज्यादा पीड़ा में होते हैं या बहुत बड़ा बहुत स्ट्रांग इमोशन आप फील करते हैं तो आपके भी मुंह से एकदम से निकलता है हे माँ, ऐसे करके निकलता है। तो वैसे ही गोपी भी कह रही है हाय री माँ, ये जो इतना जो उनकी मुस्कान का, श्री कृष्ण की मुस्कान का जो मुझ पर प्रभाव पड़ेगा और उससे जो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, मैं उसे कैसे संभाल पाऊंगी। तो इस तरह से अपनी माँ को पुकारते हुए वो कहती हैं। तो यही आपके आखिरी जो लाइन है उसका मतलब है। अब चलते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न आपका कहता है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती। तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि गोपी जो है वो श्री कृष्ण की मधुर तान नहीं सुनना चाहती, उनका गोधन नहीं सुनना चाहती, और साथ ही साथ उनकी मुस्कान जो है मादक मुस्कान वो नहीं देखना चाहती। प्रश्न दो है आपका, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है। इसका भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ कि वो क्यों बचना चाहती है। तो इसलिए इस मुस्कान से बचना चाहती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो इतनी मादक है, इतनी आकर्षक है कि वो उसके प्रभाव से नहीं बच पाएगी और खुद को नहीं संभाल पाएगी और वो श्री कृष्ण के वश में हो जाएंगी। तो यही आपके प्रश्न एक और प्रश्न दो के यहाँ उत्तर आपको सैंपल आंसर में भी दिखा दिए हैं। आपको अच्छे से ये पद्यांश समझ आ गया होगा, भावार्थ भी आप चाहें तो अच्छे से पढ़कर और अपने शब्दों में इन उत्तरों को भी लिख सकते हैं। चलते हैं अब आपके प्रश्न तीन पर। प्रश्न तीन आपका कहता है, भाव स्पष्ट कीजिए, मायरी वा मुख की मुस्कानी समहारी न जय है न जय है न जय है। तो ये जो आखिरी पंक्ति है, अगेन मैं आपको यहाँ अभी अभी आपको समझाया मैंने इसका क्या मतलब है, तो इसलिए आप इसको यहाँ से इसको उत्तर तीन को आप लिख सकते हैं। इसका भाव जो है वो इन लाइनों में यहाँ इन पंक्तियों में लिखा हुआ है। चलते हैं अब आपके आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न आपका कहता है, प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं पांच शब्दों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर जो है कुछ पांच शब्द, आप कोई भी पांच शब्द चुन सकते हैं। तो यहाँ कुछ शब्दार्थ आपको दिए हुए हैं, शब्द हैं और उनके अर्थ भी हैं। साथ ही साथ आप ये जो सवैये है, यहाँ से भी कोई भी पांच शब्द आप चुनकर आप उनके वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। हमने भी जो पांच शब्द चुने हैं, हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि हमने उनसे कौन से वाक्य बनाए हैं। तो आप चाहें तो आप अपनी मर्जी के आप पांच शब्द चुन सकते हैं और उनसे वाक्य आप बना सकते हैं। तो जैसा कि पहले वाक्य में हमने
शब्द जो है कल, कल से जो यहाँ पर कल ही लिखा है उसका अर्थ होता है कल, तो उससे हमने शब्द वाक्य बनाया है उस शब्द से। दूसरे में हमने गोधन से वाक्य बनाया है, तीसरे में हमने कानों में उससे वाक्य बनाया है, चौथे में हमने तान, जो तान शब्द है उससे वाक्य बनाया है, और पांचवी में हमने मायरी जो शब्द है उससे वाक्य बनाया है। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी के भी शब्द चुनकर उनसे वाक्य बना सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है इसमें, इस वीडियो में, इस वर्कशीट में, तो आप हमसे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कंटेंट से बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू।